जेडीबी कॉलेज की जूलॉजी ई लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रमुख व गौण अंतःस्रावी ग्रंथियां या मेजर एंड माइनर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस टॉपिक में हम विशेषतः है ह्यूमन बीइंग में पाए जाने वाली प्रमुख व गौण अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे ई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम अर्थ एवं परिभाषा अर्थात मीनिंग एंड डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रमुख व गौण अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार टाइप्स ऑफ मेजर एंड माइनर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देन प्रमुख व गौण अंतःस्रावी ग्रंथियों के हॉर्मोन्स या हॉर्मोन्स ऑफ मेजर एंड माइनर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और लास्ट में इन दोनों प्रकार की ग्रंथियों पर आधारित एक फीडबैक प्रकार की क्विज है, उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इन ग्रंथियों से संबंधित कुछ प्रकार की जो टर्म्स हैं उनसे हमारा क्या तात्पर्य है। सबसे पहले अंतःस्राव या एंडोक्राइन। ग्रीक लैटिन वर्ड एंडोक्राइन एंडोइस प्लस क्रीनो से मिलकर बना है, जिसका इंग्लिश मीनिंग इंटरनल सिक्रेशन या हिंदी में हम आंतरिक स्राव कहते हैं, अर्थात ऐसा स्राव जो ग्रंथियों से स्रावित होकर सीधे ही रक्त में छोड़ा जाता है उसे हम अंतःस्राव या एंडोक्राइन कहते हैं। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड। हॉर्मोन्स का संश्लेषण व स्राव करने वाली कोई भी कोशिकीय अथवा ओतिकीय रचना अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, और सेल्युलर और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स हॉर्मोन इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि या जिसे हम मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो हॉर्मोन्स का स्राव कर हमारे शरीर में उपापचय, ऊर्जा स्तर, जनन, वृद्धि, परिवर्धन और चोट, तनाव एवं मनस्थिति को नियंत्रित व समन्वित करती है, ऐसी ग्रंथि को हम प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि या मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एज वेल एज ट्रोमा, स्ट्रेस एंड मूड बाय सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एज मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अर्थात हम ऐसी ग्रंथियों को मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं जो हमारे शरीर में इस प्रकार के कार्य करती। और अगले प्रकार की जो टर्म है वो है गौण अंतःस्रावी ग्रंथि या माइनर एंडोक्राइन ग्लैंड, या हम ये कह सकते हैं कम कार्य महत्व और अन्य ग्रंथियों के साथ मिलकर कार्य करने वाली ग्रंथियाँ गौण अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। और ग्लैंड्स विद लेस इम्पोर्टेंस एंड फंक्शनल टुगेदर विद अदर ग्लैंड्स और मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड आर नोन एज माइनर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम देखते हैं कि जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और हम उन्हें किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में श्रावण व कार्य के आधार पर, सिक्रेशन और फंक्शन के आधार पर 9 मेजर प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड पहचानी गई हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली ग्लैंड इसमें कहलाती है हाइपोथैलेमस, दूसरी कहलाती है पिट्यूटरी, तीसरी कहलाती है पीनियल, चौथी कहलाती है थायरॉयड और पांचवी कहलाती है पैराथायरॉयड। इनमें जो ऊपर वाली 3 ग्लैंड्स हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये हमारे हेड पार्ट में पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस है वो हमारे ब्रेन का पार्ट है, जो हाइंड ब्रेन है उसका पार्ट है। पिट्यूटरी जो है वो मिड ब्रेन के नीचे पाई जाती है, और पीनियल जो है वो भी ब्रेन के नीचे पाई जाती है। थायरॉयड और पैराथायरॉयड प्रकार के जो ग्लैंड हैं वो हमारे गर्दन भाग में या नेक भाग में पाई जाती है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय और अंडाशय, ये 3 प्रकार के जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो हमारी उदर गुहा या एब्डोमेन।
इसी प्रकार जो वृषण या टेस्टिस जो केवल मेल में पाए जाते हैं वो केवल बाह्य उदर गुह्य होते हैं, कुछ केसेस में ये और एब्डोमिनल प्रकार के भी हो सकते हैं। जो प्रिमिटिव प्रकार के मैमल्स होते हैं उन प्रिमिटिव प्रकार के मैमल्स में ये उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं, अन्यथा सभी प्रकार के मैमल्स में टेस्टिस या वृषण जो है वो उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। ये कुछ एक प्रकार की गौण अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, या इन्हें हम माइनर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनको भी हम जो है वो सिक्रेशन और फंक्शन के आधार पे जो है वो अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। इसमें थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारी थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा में पाई जाती है, हृदय या हार्ट जो है वो परिहृदय गुहा या पेरिकार्डियल कैविटी में पाया जाता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऊपर वाली वक्षीय गुहा का ही रूपांतरण होता है, जठरांतर नली जठर प्लस आंत्र, जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वो भी हमारी एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में पाई जाती है, वृक्क या किडनीज ये भी हमारी उदरीय गुहा या एब्डोमिनल कैविटीज में पाए जाते हैं, और लास्ट प्रकार की जो माइनर प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो सम्मिलित रूप से गर्भाशय व प्लेसेंटा है और यूटेराइन और प्लेसेंटा। ये दोनों प्रकार की स्ट्रक्चर भी जो है वो केवल फीमेल में पाई जाती हैं और जो उदरीय गुहा है एब्डोमिनल कैविटी है उसी के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं जो मेजर प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो हाइपोथैलेमस प्रकार की ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस प्रकार की जो ग्लैंड है इससे निकलने वाले हॉर्मोन हाइपोथैलेमिक कारक या हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स कहलाते हैं। ये ओवरऑल बॉडी के ऊपर दो तरीके से काम करती है, जो न्यूरल सिस्टम है और हॉर्मोनल सिस्टम है उन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी से निकलने वाले हॉर्मोन हैं उनकी लिस्ट लंबी है, पहला जीएच ग्रोथ हॉर्मोन, एसीटीएच एड्रिनो कोर्टिकोट्रोफिक हॉर्मोन, टीएसएच थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, पीआरएल प्रोलैक्टिन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, आईसीएसएच इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन, और लास्ट ऑक्सीटोसिन। ये जो हॉर्मोन होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर ओवरऑल वृद्धि या ग्रोथ, प्रजनन या रिप्रोडक्शन, प्रसव या पार्टुरेशन, दुग्ध श्रवण या मिल्क इजेक्टिंग और हॉर्मोन्स नियंत्रण से संबंधित प्रकार के कार्य करते हैं। अगले प्रकार की ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड है, इससे दो प्रकार के हॉर्मोन निकलते हैं, एक मेलेटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन। मेलेटोनिन प्रकार का जो हॉर्मोन है वो निद्रा चक्र या स्लीप साइकिल के अंदर काम करता है, अर्थात हमारे अंदर 24 घंटे से होने वाली दैनिक प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसके लिए हमें अलर्ट रखता है। और सेरोटोनिन प्रकार का जो हॉर्मोन है वो रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर से संबंधित होता है। थायरॉयड, इससे तीन प्रकार के हॉर्मोन निकलते हैं, T3 T4 CT या TCT। तो T3 का मतलब है ट्राई आयडोथायरोनिन, T4 का मतलब है टेट्रा आयडोथायरोनिन, CT का मतलब है कैल्सिटोनिन और TCT का मतलब है थायरोकैल्सिटोनिन। दोनों का मतलब एक ही है। ये ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर उपाव से मेटाबॉलिज्म व अस्थि विकास बोन डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं। फिर आगे की जो ग्रंथि है पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इससे निकलने वाला हॉर्मोन PTH या कोलिप हॉर्मोन कहलाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन और विटामिन D3 के नियमन या रेगुलेशन से संबंधित होता है। एड्रिनल ग्लैंड है, इससे निकलने वाले चीफ हॉर्मोन कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन व नोरएपिनेफ्रिन, या एपिनेफ्रिन को हम जो है वो एड्रिनलिन भी कहते हैं, नोरएपिनेफ्रिन को हम नोर एड्रिनलिन भी कहते हैं। तो इन हॉर्मोन्स का ओवरऑल बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो तनाव या स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर की कंडीशन में होता है, वह लवण नियमन सॉल्ट रेगुलेशन ही होता है। और एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले जो हॉर्मोन हैं उनको हम लाइफ सेविंग हॉर्मोन भी कहते हैं, जीवन रक्षक हॉर्मोन भी कहते हैं, क्योंकि विपरीतकालीन परिस्थितियों के अंदर ये हमारे जीवन को बचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रकार की जो ग्लैंड है वो केवल मेल में पाए जाने वाली वृषण या टेस्टिस
वृषण से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है और इससे टेस्टोस्टेरोन का जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो मेल के अंदर प्राइमरी प्रकार के और सेकेंडरी प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको रेगुलराइज करने का कार्य करता है। अंडाशय या ओवरीज ये केवल फीमेल में पाए जाने वाली एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं। इनसे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों प्रकार के हार्मोन जो है वो फीमेल के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। और नेक्स्ट प्रकार की जो ग्लैंड है वो अग्नाशय या पेंक्रियाज है। इससे तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और सोमेटोस्टेटिन। तो इनका हमारी बॉडी पर ओवरऑल जो कंट्रोल होता है वो रुधिर शर्करा नियंत्रण के रूप में या ब्लड शुगर कंट्रोल के रूप में होता है। अर्थात ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये कार्य पेंक्रियाज या अग्नाशय से सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स करते हैं। इसी प्रकार से ये माइनर प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनसे निकलने वाले हॉर्मोन्स हैं और बॉडी में ये ओवरऑल किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो थाइमस प्रकार की ग्लैंड है उस थाइमस प्रकार की ग्लैंड से दो हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं, थाइमोसिन और थाइमोफोइटिन। तो यहाँ जो थाइमोसिन प्रकार का हॉर्मोन है वो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा में काम करता है और थाइमोफोइटिन जो है वो न्यूरल प्रकार के एक्शन में भाग लेता है। अगली स्ट्रक्चर है जठरांतर नली या GIT, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और इससे जो है वो कई प्रकार के हॉर्मोन निकलते हैं, जैसे गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, PZ पैंक्रियोजाइमिन है, CCK कोलेसिस्टोक्राइनिन है, DC ड्यूओक्राइनिन है, EC एंटेरोक्राइनिन है, EG एंट्रोगेस्ट्रोन है, VK विलिकाइनिन है, ML मोटिलिन है और लास्ट GIP या गेस्ट्रो इनहिबिटरी पैप्टाइड। ये सभी के सभी जो हॉर्मोन होते हैं वो बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जठर और आंतरीय रस है उस पर नियंत्रण और नियमन का कार्य करते हैं। अर्थात जो गैस्ट्रिक प्रकार का जूस है और जो इंटेस्टिनल प्रकार का जूस है उसको कंट्रोल और रेगुलराइज करने का काम ये हॉर्मोन्स करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है वृक्क या किडनीज। तो किडनीज या वृक्क के द्वारा भी हॉर्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के हॉर्मोन किडनी सिक्रेट करती है, एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन। तो यहाँ जो एरिथ्रोपोइटिन प्रकार का हॉर्मोन है वो RBC निर्माण या RBC फॉर्मेशन से संबंधित होता है और रेनिन प्रकार का जो हॉर्मोन है वो एल्डोस्टेरोन का रास द्वारा नियंत्रण करता है। तो रास एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन जो हॉर्मोन होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्रकार की स्ट्रक्चर है हृदय या हार्ट। हार्ट से भी जो है वो एक हॉर्मोन निकलता है जिसे एट्रियल नेट्री यूरेटिक कारक या एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर कहते हैं और ये रेनिन और ADH का संदमन करता है। रेनिन जो है वो किडनी से निकलने वाला हॉर्मोन और ADH एंटी डायबिटिक हॉर्मोन है, उनको इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रकार की स्ट्रक्चर है गर्भाशय व प्लेसेंटा, यूटेराइन और प्लेसेंटा। इनसे निकलने वाले हॉर्मोन जो है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG व प्लेसेंटल लैक्टोजन होते हैं और ये ओवरऑल गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, स्तन वर्धन, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट व उपापचय नियंत्रण, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा प्रकार की स्ट्रक्चर है वो टेम्परेरी प्रकार की होती है, अस्थायी प्रकार की होती है और बाकी जितने भी प्रकार की मेजर और माइनर प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो परमानेंट या स्थायी प्रकार की होती हैं। इनके अलावा हमारे अंदर कुछ और भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के रूप में काम करती हैं, माइनर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के रूप में काम करती हैं, जैसे लार ग्रंथियाँ हैं। इनसे भी एक हॉर्मोन निकलता है जिसे हम पैरोटीन कहते हैं और ये हमारे टीथ का जो है वो कैल्सिफिकेशन यानी उसमें जो कैल्शियम है उस कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार से जो एपिडर्मल पार्ट है उससे भी हॉर्मोन निकलते हैं, एडिपोज टिश्यू है उससे भी हॉर्मोन निकलते हैं। और लास्ट हम जो है वो देख लेते हैं इस वीडियो पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी या क्विज। तो देखते हैं कि आपने वीडियो कितने ध्यान से देखा है। पहला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथ नियंत्रण खाली स्थान द्वारा होता है, यानी ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाई ब्लैंक्स। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है हाइपोथैलेमस यानी
ब्रेन का जो पार्ट है, हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, अधश्चेतक कहते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य करता है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि निद्रा चक्र में सहायक है? विच ग्लैंड इज हेल्पफुल इन स्लीप साइकिल? यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हमें नींद लाने में सहायक होती है और जब उसका सिक्रेशन कम हो जाए तो हम जाग जाते हैं, वेकअप हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ग्लैंड है वो कौन सी है? वो है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड में पाए जाने वाला जो मेलेटोनिन प्रकार का हार्मोन होता है वो ये कार्य करता है। थर्ड क्वेश्चन है, कॉलिफ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? विच ग्लैंड सीक्रेट्स कॉलिफ हार्मोन? तो कॉलिफ हार्मोन जो है वो हमें इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले से जोसेफ कॉलिफ ने खोजा था और उनके ऑनर या सम्मान में हम इसको जो है वो कॉलिफ हार्मोन के। तो आपके लिए हिंट ये है कि ये जो हार्मोन होता है इसको हम पैराथार्मोन या PTH भी कहते हैं। तो ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हॉर्मोन्स खालिस्तान ग्रंथि से स्रावित होते हैं और लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाई विच ग्लैंड? यानी ऐसे हॉर्मोन्स जो हमारी विपरीतकालीन परिस्थितियों में स्ट्रेस की कंडीशन में हमें बचाने का काम करते हैं, होमियोस्टेसिस का काम करते हैं, समस्थापन का काम करते हैं, उन्हें हम लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स कहते हैं। तो इस प्रकार के जो हॉर्मोन्स है वो कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो मिनरलोकॉर्टिकोइड प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं वो ये कार्य करते हैं, या फिर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन प्रकार के जो हॉर्मोन हैं वो ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि फ्राइट फाइट फ्लाइट या 3F कहलाती है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज फ्राइट फ्लाइट एंड फ्लाइट और 3F? कहने का तात्पर्य है कि आपको इसमें ये बताना है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो हमें फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है भय या डर, डर में काम करती है। फाइट, फाइट का मतलब है कि अगर हमें किसी के साथ में जो है वो डिशुम करनी है। और फ्लाइट का मतलब है कि कोई बात हो जाए, हमें वहाँ से 9-2-11 होना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दौड़ना, भागना या फ्लाइट करना कहते हैं। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो उस कंडीशन में काम करती है? और इसका जो सही आंसर है वो है एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रकार के जो हॉर्मोन है वो इन क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय धारणानुसार कौन सी ग्रंथि तीसरा नेत्र कहलाती है? विच ग्लैंड इज कॉल्ड थर्ड आई अकॉर्डिंग टू इंडियन मिथ? या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि शिव जी का तीसरा नेत्र कौन सी ग्रंथि कहलाती है? विच ग्लैंड इज नोन एज थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा? तो इसका जो सही आंसर है वो है पीनियल ग्लैंड। तो जो पीनियल ग्लैंड है उसको हम थर्ड आई या तीसरा नेत्र भी कहते हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। यूट्यूब से हमारे कॉलेज का चैनल CCE Raj JDB GGC कोटा सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों को जो है वो वीडियो के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।